Hi everyone, my name is Pratyusha. Very warm welcome to our YouTube channel National Skills Network. हमें आप सबके साथ हमारे वीकली न्यूज बाइट्स की लेटेस्ट एडिशन को शेयर करते हुए काफी खुशी हो रही है। इस हफ्ते हम स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन से टॉप 7 हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो बिना ज्यादा देरी किए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस हफ्ते के टॉप 7 हाइलाइट्स क्या क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आप ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिस ना करें। सरकारी कौशल विकास परियोजना अप्रेंटिसशिप्स और समाचार 10 अप्रैल 2024। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस हफ्ते के टॉप 7 हाइलाइट्स। एनएसडीसी ने सूचना सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए आईएसओ आईईसी 27001:2022 सर्टिफिकेशन हासिल किया है। ये विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक संवेदनशील डेटा की सुरक्षा और हिताधिकारों के बीच विश्वास को बढ़ावा देने के लिए एनएसडीसी के समर्पण को मान्य करता है। ओएसडीए ने और वेदांत लांजीगर ने 3 वर्ष में 1300 से अधिक युवाओं को कुशल बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये पहल कालाहांडी जिला के बेरोजगार युवाओं के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने का एम रखता है जो कि स्थायी आजीविका के अवसर भी प्रदान करने वाली है। टीएचएससी ने एफिलिएटेड आईआईएचएस ने उदयपुर में एक अत्याधुनिक सुविधा खोली है जो पेशेवरों को कौशल बढ़ाने और आतिथ्य उद्योग में कौशल अंतर को कम करने के लिए व्यापक पाठ्यक्रम पेश करने वाली है। एनसीवीईटी ने ट्रेनिंग ऑफ एसेसर्स टीओए के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किया है जिसका लक्ष्य मूल्यांकन प्रक्रिया को स्टैंडर्डाइज करना और भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाना है। आईआईटी जोधपुर और स्टेप ऐप ने कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए कौशल पाठ्यक्रम के साथ स्कूली शिक्षा को सशक्त बनाने और उन्हें एआई, साइबर सिक्योरिटी, 2D एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकी से इक्विप करने के लिए साझेदारी की है। एमएसडीई ने एनईपी 2020 में परिकल्पित राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाते हुए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी की स्थापना के लिए ड्राफ्ट दिशा निर्देश जारी किया है। नाइलिट कलिकट ने युवा रोजगार कौशल को बढ़ावा देने के लिए एएसएफ केरला के साथ कौशल विकास और अनुसंधान के लिए कौशल में 3 प्रमुख संस्थानों के साथ 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये थे इस हफ्ते के 7 हाइलाइट्स, टॉप 7 हाइलाइट्स। अगर इनमें से किसी भी हाइलाइट के बारे में या और अपडेट के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.nationalskillsnetwork.in पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और अपने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देते रहिएगा।